तो ये वॉशिंग मशीन है जिसका मॉडल नंबर है 3111-5। ये 6.5 kg की वॉशिंग मशीन है जिसमें क्या हुआ था, किसी मैकेनिक ने किया था जो कि इसका सिर्फ गियर बॉक्स चेंज किया था और उसमें सही से नहीं लगाने पाने के कारण किसी ने इसका कैपेसिटर बदल दिया और इसका पीसीबी ख़राब हो गया। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसका जो कैपेसिटर है जो हमने ओरिजिनल लगा दिया है फिर भी पीसीबी बार बार ख़राब हो रहा है, तो आज हम इसी को ठीक करने वाले हैं। एक किस कारण हो रहा है और इससे जानने की कोशिश करेंगे। और इसका पीसीबी मैंने पहले से खोल रखा था क्योंकि ड्रायर ये पूरा खोला था इसको, है ना, इसका वीडियो नहीं बनाया। इसको ओके करेंगे और ये है इसका पीसीबी, जो इसका मॉडल है आप देख सकते हो ये वाला है मॉडल है स्टैंड बॉस अल्ट्रा, तो आप देख सकते हैं। अभी इसको ठीक करेंगे, इसमें जो कि हम मॉस्फेट लगाने वाले हैं ट्राइवर, ये जो लगाने वाले हैं ट्रांजिस्टर, ये BTA 41 यानी 600 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। एक अभी मैंने पहले लगाया था BTA 16 जो कि बार बार ख़राब हो रहे हैं, यहाँ पे पड़ेंगे BTA 16। ये बार बार शॉर्ट होते हैं, इसकी होता क्या है, सोर्स और ड्रायर गेट दोनों जाते हैं। अब इसको चेक करेंगे, दोनों शॉर्ट होते हैं। अभी इसमें बस ये मैं लगा चुका था पहले, बस इसमें सोल्डिंग करना बाकी है। इसमें सोल्डिंग करते हैं पहले, फिर इसको चेक करते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं सोल्डिंग कर रही है, अभी हम इसको लगाएंगे। पहले इसमें एक काम करते हैं, चल चुका है। हेलो नमस्कार, आप इसकी साउंड भी सुन सकते हैं। बढ़िया चल चुका है अभी, और इसको हम बंद चालू करेंगे एक बार ढक्कन खोल के इसका।
अब ये बंद हो चुका है। अच्छी खासी स्पीड आ गई है इसमें। इसका जो ओरिजिनल कैपेसिटर था वो लगा दिया है, जो इसमें लगा हुआ था, जो मैकेनिक चेंज किया था। और इसको आप देख ही सकते हो, ये काम बढ़िया कर रहा है। फिर से एक बार इसका ढक्कन खोलेंगे। रुकना चाहिए, ये रुक नहीं रहा इतनी स्पीड में जितना रुकना चाहिए इसको। अभी फिर से ऑन होगा, फिर से ऑन होने की कोशिश करेगा। पहला इसका जो ये ट्रेन मोटर है स्टार्ट होगी। ड्रेन मोटर स्टार्ट होने की कोशिश करेगी, इसके बाद ही वही चालू होगी। ये खींच लिया इसने, चालू हो चुका है। चल चुका है,